देश को मिला सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट का पहला तोहफा, रक्षा मंत्रालय की नई इमारतों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। किसानों के पक्ष में योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब 1944 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कॉमन धान का समर्थन मूल्य, तो वही किसानों पर दर्ज पराली जलाने के मुकदमे होंगे वापस। दो दिनों में उत्तर प्रदेश में 6 आतंकी गिरफ्तार, 8 का आतंकियों की प्लानिंग में फुल स्टॉप, आईएसआई मॉड्यूल के एक हैं, एक आईटी और भारी मात्रा में कारतूस और असलाह बरामद। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, देवबंद के बाद अब मऊ में होगा एटीएस सेंटर, भूमि आवंटन प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री अरविंद जायसवाल को बड़ा झटका, आपराधिक मुकदमा वापस लेने की अर्जी कोर्ट ने खारिज, 12 सितंबर 2007 को चेतनगंज थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। गाजियाबाद में कब्र में लेटे किसान, जमीन अधिग्रहण के विरोध में 6 गांवों के किसान जमीन खोद कर लेटे, बोले समाधान हुए बिना बाहर नहीं निकलेंगे। लखनऊ में लगातार हो रही तेज बारिश से बाल बेहाल, तेज बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, बारिश में नगर निगम के दावों की खुली पोल। बंगाल की खाड़ी से उठी तेज हवाओं का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के कई जिलों में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। गोंडा में देर रात से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश से अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, गोंडा शहर की सड़कों पर बैंकों के बाहर बारिश के पानी से जल जमा हो गया है। 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश में जिले के अलग अलग जगहों पर मची तबाही, चित्रकूट के शंकर बाजार स्थित खतफना मोहल्ले में रात को कच्चा मकान गिरने से युवती की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। बरदाह नदी उफान पर है जिसके कारण चमराहा गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है और ग्रामीण जवान जोखिम में डाल पानी की तेज धारा के बावजूद पुल पार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में से एक योजना उज्ज्वला गैस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की किस्मत बदल कर रख दी है। एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया, वही इम्तियाज की पत्नी का कहना है कि पति निर्दोष है। ग्रेटर नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की का अपहरण, गाड़ी में लड़की को लेकर बदमाश फरार, परिजनों ने हाईवे जाम कर किया हंगामा। गोंडा में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुए हाथापाई और नगर कोतवाल के साथ हुई अभद्रता के मामले में पुलिस ने 8 अधिवक्ताओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में हुई 9,50,000 रुपए की लूट को पुलिस ने 2,50,000 रुपए की लूट बताकर खुलासा कर दिया। रामपुर में मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, वही मजदूर की हुई मौके पर मौत, एडिशनल एसपी ने दी जानकारी। बहराइच में लगातार कुछ हफ्तों में से हत्याओं का सिलसिला जारी, जिले में बड़े अपराधों ने पुलिसिया तंत्र की धज्जियां उड़ा दी, अभी हाल ही में 2 दिनों में हुई 4 हत्याओं का खुलासा पुलिस कर नहीं पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट मांगना भारी पड़ गया, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट के बदले में बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों ने जमकर पीटा। मैनपुरी में नदी किनारे अजगर के निकलने से दहशत का माहौल देखने को मिला, वही अजगर ने बकरी को जिंदा निकलने का किया प्रयास, बकरी को जकड़े हुए अजगर का वीडियो वायरल। बिजनौर के थाना सिहारा में फैजलपुरा इलाके में गर्ज में सो रही बुजुर्ग महिला की हुई हत्या, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कुटियाल चौबटा खाल विधानसभा का करेंगे दौरा, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र है चौबटा खाल। नेचा बीच घोटाले पर हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वार पलटवार, हरक सिंह रावत ने कहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी से मैंने बचवाया, त्रिवेंद्र बोले गधा भी बोलता है ढेंचा ढेंचा। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम दूसरे दिन भी सोनू सूद के घर पर सर्वे के लिए पहुंच गई। अभिनेता सोनू सूद के घर पर ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम के सर्वे पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।